हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्वालियर जिले के डबरा सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम सिंह जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर परिजनों ने नगर के सिंधिया चौराहे पर चक्का जाम लगा दिया और पुलिस से हत्या की FIR करने की मांग करने लगे। परिजनों के दबाव के चलते संदिग्ध मामले में पुलिस को हत्या की FIR काट कर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तारी का परिजनों को आश्वासन देना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल 30 मई को प्रेम सिंह जाट पुत्र सुगर सिंह 28 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से ग्वालियर गया हुआ था। 30 मई की शाम ही ग्वालियर से प्रेम सिंह जाट वापस डबरा लौटा, लेकिन घर से नहीं पहुंचा और परिजनों को सूचना मिली कि अति गंभीर स्थिति में प्रेम सिंह जाट सिंध नदी के नवीन पुल के पास घायल अवस्था में पड़ा है। मौके पर परिजन पहुंचे और घायल प्रेम सिंह को उचित इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। नाम क्या दादा पहले? दादा प्रेम, नाम सुगर सिंह। सुगर सिंह जी, अब क्या मामला है पूरा बच्चे के साथ जो घटना घटित हुई है? बच्चा था, मैंने तो सिंध पुल पर पुलिस ने हमको दिया था, बिल्कुल बाहर से मिलो मना तो चार मरी हालत में जो मान लिया। कौन था मतलब आप जो किस आपका संबंध क्या था? लड़का था। आप किस पे आरोप लगाना चाह रहे हैं? कैसे हुआ, क्या परिणति हुई, आरोपी कौन है, अरेस्ट हुई अथवा नहीं, चक्का जाम की क्या परिस्थिति हुई, थोड़ा सा सर संक्षेप में बताएं। दिनांक 30/5 को राम सिंह अपने दोस्त नरेंद्र के साथ घर से ग्वालियर की कहकर सुबह निकल आया था, शाम को घर नहीं पहुंचा। रात को घायल अवस्था में हाईवे पर मिला तो 100 डायल ने उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा, वहां से ग्वालियर रेफर हुआ और उसी रिपोर्ट पर से रिपोर्ट दर्ज हुई। कल इनके पिता मृतक प्राण सिंह के पिता सुगर सिंह ने आके लिखित आवेदन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि हमारे बेटे को जगत सिंह व नरन और उनके जगत सिंह के लड़के ने जान से मारने की नीयत से चोटें पहुँचाई हैं, तो उनका आवेदन तत्काल थाना प्रभारी को भेजा गया और उस प्रकरण में धारा 307 को तरमीम की गई। अभी पता लगा कि वो लड़का खत्म हो गया है ग्वालियर में, तो परिजन भी मेरे पास आए थे, थाने पे भी आए थे कि साहब वो 302 होगा उसमें, तो 302 को हमने बताया, PM रिपोर्ट आई, इजाफा हो जाए, कोई दिक्कत।